हे गाइस, वेलकम टू मोर टॉक 10। कैसे आप लोग सब आज? दोस्तों, लास्ट टाइम हम आपके लिए लाए थे स्कॉर्पियो N का रिव्यू, जहां पे आप लोग ने हमें बहुत प्यार दिया, मिलियंस ऑफ व्यूज है उसके साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें पुरानी क्लासिक जो स्कॉर्पियो आती थी वो अभी भी बहुत पसंद है। तो आई थिंक महिंद्रा इज ऑलवेज बीन लिसनिंग टू ऑल दीज पॉइंट्स, और उन्होंने जो पुरानी क्लासिक है उसको रिटेन किया है और उस गाड़ी को वापस अब मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एज द स्कॉर्पियो क्लासिक, जो हमारे साथ आज यहाँ जुड़ी है। तो जो ओरिजिनल सिंघम गाड़ी है वो अभी भी यहाँ पे है हमारे साथ। इस गाड़ी का प्रॉपर नाम है स्कॉर्पियो क्लासिक और इसके बारे में मैं आपके साथ बहुत सारे डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो जो पुरानी गाड़ी है उसमें कुछ चेंजेस किए गए, क्या ये कुछ है, क्या ये काफ़ी है, वो मैं आज वीडियो में पूरी तरह खुलासा करूँगा आपके साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम शुरू करते हैं सीधा डिज़ाइन के साथ। अब देखिए, स्कॉर्पियो की जो खासियत रही है वो इसकी रोड प्रेजेंस है, जो एकदम अग्रेसिव लुक है गाड़ी का, वो उसका मेन बोलते हैं एक USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो अब उसी को मेंटेन करते हुए कुछ चेंजेस किए गए डिज़ाइन में, जैसे इसको नया फ्रंट ग्रिल आ जाता है, ग्रिल के पैटर्न में माइनर ट्वीक्स किए गए हैं, प्लस साथ में जो न्यू महिंद्रा लोगो है ट्विन पीक्स का वो यहाँ पे अब आ चुका है। आप नोटिस करोगे कि बॉनेट के ऊपर आपको एक स्कूप भी आता है, जो पहले से था, लोगों को बहुत पसंद था, डिज़ाइन में अभी भी है, बट एक्चुअली ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि जो इंजन है उसका लेआउट अंडरनीथ चेंज हो चुका है। साथ में जो हेडलैम्प्स आते थे वो लुक सेम ही है, हाई बीम लो बीम दोनों अलग लाइट्स है, हाई बीम आपके पास नॉर्मल हैलोजन है और लो बीम जो है आपके पास प्रोजेक्टर है, पर जो डे टाइम रनिंग LED आपको हेडलैम्प में आती थी वो अब वहाँ से हटा के नीचे दे दी गई है ऑन द फ्रंट बम्पर, बेसिकली जो फॉग लैम्प है उसके साथ ऊपर आपको डे टाइम रनिंग LED यहाँ मिल चुकी है। अगर आप गाड़ी फ्रंट से ओवरऑल देखते हैं तो लुक में ज़्यादा फर्क नहीं है गाड़ी के, पर जो चीज़ फ़र्क आया है वो है ये नया कलर, ग्रे कलर जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है फॉर दिस कार। अब अगर आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं, यहाँ से इट लुक्स लाइक अ टिपिकल स्कॉर्पियो, इसमें कुछ मेजर डिफ्रेंसिएशन नहीं है। 17 इंच के व्हील्स अभी भी रिटेन्ड है इसके अंदर, हावेवर जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो चेंज करके ब्लैक एंड सॉर्ट ऑफ मशीन फिनिश इसको लुक देने का कोशिश किया गया है। आप नोटिस करोगे कि जो एम हॉक की बैजिंग है वहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ साइड स्कूप लुक देने की कोशिश की गई है, प्लस आपके पास यहाँ पे एक स्कॉर्पियो का न्यू एलिमेंट आ गया है जो पहले इस गाड़ी में नहीं आता था। आपके मिरर्स अभी भी सॉर्ट ऑफ स्क्वेयरिश, क्लोज टू स्क्वेयरिश है, एंड आपके पास ऊपर रूफ रेल्स आ जाते हैं, जो स्कॉर्पियो का एक सिग्नेचर लुक है ऑफ द रूफ गोइंग अप वो भी यहाँ बरकरार रखा गया है, और गाड़ी के अंदर चढ़ने उतरने के लिए आपके पास एक स्टेप भी मिल जाता है जिससे आप इजीली गाड़ी के अंदर जा सकते हो और बाहर आ सकते हो। जब आप इस गाड़ी का रियर देखते हो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ज़्यादा मेजर डिफ्रेंसिएशन नहीं किया गया है। एक चीज़ जो चेंज हो गई है इज द टेल लैम्प लुक। पहले टेल लैम्प जो आती थी वो इतनी आती थी, रिसेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइमलाइन, एंड ये पार्ट जो है आपको पुरानी स्कॉर्पियो में लुक आता था जो अब वापस रिटर्न आ चुका है। इफ़ यू रिमेंबर जो लास्ट स्कॉर्पियो थी बिफोर 2014 उसमें आपको ऐसे लंबे टेल लैम्प्स वाली स्कॉर्पियो आती थी, विच हैज़ मेड अ कमबैक। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नोटिस, क्योंकि मैंने जो भी वॉक अराउंड देखे उनमें सब कह रहे थे कि ये सेम मेंटेन किया गया। हाउएवर दिस इज अ रिटर्न इफ़ यू डोंट रिमेंबर। देन आपका जो लोगो है गाड़ी का वहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट आ जाता है वो कंप्लीट ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ आता है। ऑफकोर्स यू ऑल्सो गेट द स्पॉइलर। अब इसके गाड़ी के अंदर जाने उतरने के लिए थर्ड रो के लिए आपके पास यहाँ पे पीछे एक स्टेप भी दे दिया गया है। तो अब मैं आपको इस गाड़ी की बूट स्पेस दिखाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कितना ऑप्शन है आपके पास बैठने के लिए और क्या बूट की जगह है। सो टेक्निकली आपके पास जो पीछे सीट्स है, फिलहाल ये वाली गाड़ी में साइड फेसिंग सीट्स दी गई है, ओके। सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपको बूट स्पेस यूज़ करना है तो यू कैन फोल्ड दीज सीट्स, और आपको बहुत सारी जगह यहाँ मिल जाती है टू यूज़ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देन उसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन है कि आप फ्रंट फेसिंग सीट्स ले सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये आ जाता है कि जो सेकेंड रो सीट्स है वो थोड़ी आगे पुश की हुई है, और पीछे की जो सीट्स है वो और वाइडर है, जिस वजह से टोटल 9 सीटर ये बन जाती है। तो यहाँ पे दो इस तरफ दो लोग बैठ सकते हैं बहुत कंफर्टेबली। ओके, सो लेट्स गो एंड सिट हियर। आपको स्पेस दिखा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हेडरूम डिसेंट इनफ है, नी रूम ओके से अगर दो लोग यहाँ बैठेंगे, और पीछे फॉर बेटर वेंटिलेशन पर्पस आपके पास यहाँ पे एक स्लाइडिंग पार्ट दिया गया है जिसे आप खोल सकते हो क्वाइट इजीली, और अगर आप AC नहीं चला रहे हो तो यहाँ पे पीछे दो लोग बैठ सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ सफोकेशन।
तो ये थी कहानी ऑफ द बूट जो स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको मिलती है। आप देख रहे हो इसका डोर कितना वाइड खुलता है यहाँ पे, इज़ इन दैट इंटरेस्टिंग। और एक फन फैक्ट आपको बताऊँ, क्या आपको पता है आपकी गाड़ी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? उसका इंजन। ये ना केवल सबसे कॉम्प्लिकेटेड है पर सबसे एक्सपेंसिव पार्ट भी है। तो जब आप सवेरे कोल्ड स्टार्ट करते हैं गाड़ी को या फिर जब आप बम्प टू बम्प सिटी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, तब आपकी इंजन का वेयर एंड टेयर एकदम मैक्सिमम रहता है 75%, और इससे आपकी इंजन की लाइफ क्लियरली अफेक्ट होती है। और आप जानते हैं इसका कल्प्रिट क्या है? साधारण इंजन ऑयल। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ फुली सिंथेटिक कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक इंजन ऑयल। एक तो ये BS6 रेडी है, प्लस ये आपकी इंजन को है ना नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन देता है, जिससे ओवरऑल इसकी लाइफ बढ़ने वाली है और आपका खर्चा जो है इन द लॉन्ग रन घटने वाला है। अब इंटीरियर्स दिखाते हैं आपको ऑफ द स्कॉर्पियो क्लासिक, लेट्स गो। स्कॉर्पियो क्लासिक के इंटीरियर काफ़ी सिंपलिस्टिक है, कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन यहाँ नहीं आया है। पहले आपको ब्लैक एंड आइवरी सॉर्ट ऑफ कलर आता था, अब ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन यहाँ दे दिया गया। चेंजेस के बारे में एक एक करके बताते हैं आपको एंड पूरा इंटीरियर भी बता देते हैं उसके साथ। तो पहला चेंज है इसका स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील के डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, आपके पास यहाँ ग्लॉस फिनिश आ गया, नया लोगो आ गया, बाकी सारे कंट्रोल्स वैसे ही है। लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑडियो कंट्रोल्स है, राइट साइड पे आपके पास क्रूज कंट्रोल है। स्टीयरिंग व्हील आपका सिर्फ हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है, नॉट फॉर रीच। आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ आता है वो ब्लू लिट है, लाइट ब्लू लिट है, जिसमें आपके पास बताता है आप कौन से गियर में हो और साथ में आपका ट्रिप बताता है, ट्रिप ए ट्रिप बी एंड टोटल आपका ओडोमीटर कितना चला हुआ है। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में आपके पास कंट्रोल्स है फॉर योर मिरर, तो आप मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। आप फ्यूल लिट खोल सकते हो यहाँ से एंड आपके पास डिफॉगर का भी बटन यहाँ दिया गया है आपके पास। और साथ में राइट में डोर पे आपके पास चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स है, पर डोर पैड में आपके पास कहीं पे भी बॉटल रखने की या कप रखने की जगह नहीं दी गई है। सेंटर कंसोल अगर आप इस गाड़ी का देखते हैं तो ये पहले जो गाड़ी आती थी वैसे ही टाइप का दिया गया है। ऊपर आपके पास AC वेंट्स आते हैं, उसके अंडरनीथ आपके पास एक नया टच स्क्रीन सिस्टम आ गया। पहले यहाँ पे उनका म्यूजिक सिस्टम आता था पुराना वाला 2DEN, तो उसे रिप्लेस करके एक नया टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया, एक पूरा एंड्रॉयड सिस्टम दिया गया है इसमें। आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इसमें उपलब्ध कराई गई है एंड ओवरऑल इसकी क्वालिटी डिसेंट है। इट्स नॉट समथिंग वेरी हाई क्वालिटी, डिसेंट एवरेज लेवल की क्वालिटी यहाँ दी गई है। नीचे आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, उसके अंडरनीथ आपके पास आपके चार्जिंग पॉइंट है और एक नया कुछ वुडन फिनिश देने की कोशिश की गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस नहीं है। आगे में भी आप अपना फ़ोन या कुछ कॉइन्स रख सकते हो गियर लीवर के आगे, और फिर पीछे आपके पास दो बड़े चंक्स है जहाँ पे मे बी आपकी बॉटल या कप्स या समथिंग जो रखना है रख सकते हो। दोनों फ्रंट सीट्स जो है उनके पास अपने इंडिविजुअल आर्मरेस्ट है, जो स्कॉर्पियो की हमेशा से आप नोटिस करोगे आता रहा है और वो अभी भी इस गाड़ी में भी बरकरार रखा गया है। सीट्स आर डिसेंट इनफ, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, दे आर नॉर्मल फॉर योर डेली ड्राइविंग। और इसकी सीटिंग जो है ऑलमोस्ट लाइक अ चेयर है, तो आप एकदम स्ट्रेट अपराइट यहाँ बैठ जाते हो। आपका जो मिरर यहाँ दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, उसमें आपको ऑटो डे एंड नाइट नहीं है पर आप उसे मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। ग्लव बॉक्स भी गाड़ी का बहुत बड़ा नहीं है, डिसेंट इनफ है इन इट्स ओवरऑल साइज। सो मैं अपनी सीट को एडजस्ट करता हूँ एज पर माई ड्राइविंग पोजिशन। मेरी हाइट 6 feet है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। नाउ लेट्स गो ऑन टू द बैक सीट। ऑलराइट, सो यहाँ हम आ गए। बैक सीट पे अगर आप बैठते तो आपके पास ओवरऑल नी रूम अच्छा खासा है, हेडरूम की भी कमी नहीं है। अब ये हेडरूम मेजरली बढ़ जाता है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा वो कैसे वो रूफ ऊपर जाता है, जिस वजह से आपको हेडरूम यहाँ बढ़ जाता है। दो लोग नहीं, 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं बिकॉज द सीट इज क्वाइट वाइड और ओवरऑल आपके पास स्पेस अच्छी खासी है यहाँ पे। सो यू हैव नो प्रॉब्लम्स इन सिटिंग इन द बैक। व्हाट आई ऑल्सो लाइक इज कि इसका थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, विच आई डिडंट एक्सपेक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये सीट का रिक्लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो लोअर पार्ट है सीट का वो एक ऐसे रिक्लाइन पे जिस वजह से आप यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हो। अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं तो उनके लिए आर्मरेस्ट भी है। इस गाड़ी में आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल कराया गया है और साथ में आपको इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फीचर्स बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया। सो आपके पास कप होल्डर्स है यहाँ पे, आपके पास AC वेंट्स है, पीछे बैठने वाले को चार्जिंग पॉइंट्स नहीं दिए गए। एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, 1-1 लीटर की बॉटलें आपकी बैठ जाती है पीछे के डोर पैड्स में। आपके पास यहाँ फ़ोन बैठने की जगह है, बट आई थिंक वो मोर ओवर लाइक अ फीचर फ़ोन बैठेगा, स्मार्टफोन बैठने के चांसेस कम है वहाँ पे। प्लस आपके पास यहाँ पे भी एक स्लॉट है जहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन रख सकते हैं।
सो ओवरऑल स्टोरेज स्पेस इज डिसेंट है, बट सुविधाएं थोड़ी कम है फॉर रियर सीट पैसेंजर्स। ओनली एक एसी वेंट्स दिए हुए, आपके पास एक 12 वोल्ट या एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी होता है। आई थिंक इट शुड हैव डन द जॉब इफ नॉट मोर देन दैट। नाउ लेट्स गो एंड ड्राइव द कार। सो गाइज अभी हम आ गए टू ड्राइव द स्कॉर्पियो एंड हियर वी स्टार्टेड। तो इसमें इंजन जो है वही 2.2 लीटर एमॉक ही है, हावेवर ये न्यू जनरेशन एमॉक है, तो इस वजह से इसमें जो वाइब्रेशन आती थी जब गाड़ी स्टार्ट करते थे वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। इनफैक्ट ना के बराबर ही है, ना स्टीयरिंग पे फील होती है ना गियर लेवर पे फील होती है। अब गाड़ी को डालते हैं फर्स्ट में और निकलते हैं यहाँ से। आपको ये भी बता दूँ कि इस गाड़ी का जो गियर लेवर है वो अब छोटा हो गया, जिस वजह से आप इजीली इसमें गियर शिफ्ट कर सकते हैं। जो पहले गियर बॉक्स आता था वो टेढ़ा ऐसा एक एंगल पे आता था, जो अब यहाँ नहीं है। ये काफ़ी नॉर्मल कार जैसा आपको गियर बॉक्स इसमें मिलता है। क्लच भी काफ़ी लाइट है, विच मेक्स योर ड्राइविंग वेरी इजी एंड कंफर्टेबल। और जो स्कॉर्पियो का पिकअप रहा है हमेशा से, देखिए ऐसा, वो अभी भी इसमें बरकरार है। जी हाँ, ये गाड़ी का जो पिकअप है वो अभी भी बरकरार है इसमें। ओवरऑल इसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं आया है। व्हाट यू आल्सो गेट इज दैट कि इसका पहले पिकअप ना थोड़ा जर्की होता था, अब वो कहानी नहीं रही है। जर्कीनेस चली गई है, ज़्यादा स्मूथ हो चुका है गियर, द ड्राइव क्वालिटी एंड इवन जो इंजन का ओवरऑल पिकअप पॉइंट था। इसमें आपको जो इंजन आता है वो 2.2 लीटर का ही आता है, पर अब ये 130 bhp का पावर बनाता है एंड 300 nm का ये टॉर्क बनाता है। तो पावर रेटिंग आप देखेंगे तो कम हो गई है, बट पिकअप में आपको कुछ फ़र्क नहीं पता चलेगा। 6-speed gearbox है, एक्सेलेटर दबाओगे, मैं 50 पे था, मैं 4th गियर में हूँ, एक्सेलेटर दबाया एंड वी स्टार्टेड टू मूव सो क्विकली। सो वो एक चीज़ इस गाड़ी की अभी भी बहुत सॉलिड है कि आप जैसे एक्सेलेटर पे पैर रखते हो, इवन आप 1000, 1200, 1500 rpm पे हो, आपको पावर की कमी नहीं महसूस होने वाली है। आपको अच्छा खासा पावर यहाँ मिल जाता है फ्रॉम द मोमेंट गो। सो ये सारे जो पॉइंट्स है स्कॉर्पियो के, जो कैरेक्टरिस्टिक रही है स्कॉर्पियो के हमेशा से, वो इस गाड़ी में अभी भी बरकरार रखी गई है। तो अगर आप एक स्कॉर्पियो लवर है जो चाहते कि यार मुझे वही पिक मिले जो पंच स्कॉर्पियो देती थी, वो ये गाड़ी आपको दे देगी। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा स्मूदर एंड इवन बेटर हो गया उससे। एक और एक चीज़ जो इस गाड़ी में इम्प्रूव हुई है वो है इसकी ब्रेकिंग। पहले से इसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है एंड अब अगर मैं हाई स्पीड्स पे अगर ब्रेक भी दबाऊँ, पीछे मेरे फिलहाल कोई नहीं है, तो अगर मैं ब्रेक भी दबाता हूँ तो काफ़ी इजीली गाड़ी के ब्रेक्स रिस्पॉन्ड करते हैं, जो पहले थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, बट आई विल कम टू राइड एंड हैंडलिंग। फिलहाल सिग्नल आ रहा है तो मेरे को सिग्नल पे आपको एक फीचर दिखाना है इस गाड़ी का, जिससे आपकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए। सो हियर वी गो एंड वी स्टॉप हियर। और जैसे ही हम रुक जाते हैं तो आपका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम चालू हो जाता है, आपकी गाड़ी बंद हो गई है कम्प्लीटली, जिस वजह से आपकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। आप इस सिस्टम को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे सेंटर कंसोल पे ही एक बटन दिया हुआ है जिसे आप इजीली स्विच ऑफ कर सकते हैं। आपका बॉनेट के पूरे एजेस भी यहाँ दिख जाते हैं क्लियरली। अब जैसे ही मैं क्लच दबाता हूँ गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो आई टॉकिंग आपके बॉनेट के पूरे एजेस भी यहाँ दिख जाते हैं, जिस वजह से आपकी जो ड्राइव है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है ओवरऑल। और आपको मैं इस गाड़ी का हॉर्न भी सुना देता हूँ ज़रा एक बार। सुन लिया आपने? तो कुछ ऐसा साउंड करता है इस गाड़ी का हॉर्न। तो मैं आपके साथ बता रहा था कि आपको बॉनेट के पूरे एजेस दिखाई देते हैं इस गाड़ी में, जो स्कॉर्पियो में हमेशा से था। और डैशबोर्ड काफ़ी छोटा है, तो अगर आप पहले बार स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी, जो बड़ी साइज़ की, आप छोटी गाड़ी चलाते होगे, तो अगर आप ये पहले बार ऐसी बड़ी साइज़ की गाड़ी चला रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी टू गेटिंग यूज टू इट। सो दिस इज़ वन बिग प्लस पॉइंट दैट यू विल गेट इन द स्कॉर्पियो, कि आपके बॉनेट के एजेस इजीली दिख जाते हैं। तो टर्निंग में, जजमेंट में, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, मैं बात कर रहा था राइड क्वालिटी की। राइड क्वालिटी की यानी कि आपको कितने झटके महसूस होते हैं गाड़ी के अंदर। अगर आप फ्रंट सीट्स पे बैठे हो तो आपको इतने झटके महसूस नहीं होंगे। एट द रियर थोड़ा बहुत बाउंसी अभी भी है अगर आप काफ़ी ख़राब रास्तों पे चलते हैं। हैंडलिंग में इस गाड़ी में पहले से तो बहुत इंप्रूवमेंट आया। मुझे अभी भी याद है 2002 की जो स्कॉर्पियो थी वो काफ़ी वॉली होती थी, मतलब बॉडी रोल बहुत था, बट इस गाड़ी में वैसी कहानी नहीं है। आपका बॉडी रोल काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, बट फिर भी थोड़ा बहुत बॉडी रोल इसमें अभी भी एविडेंट है। स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी लाइट है, आप इसे आराम से एक गाड़ी जैसा ही चला सकते हो। और
खाली फर्क आपको इसमें और एक गाड़ी में ये रहेगा कि आप इसमें ऊंचे बैठे हो, बस दैट्स द ओनली डिफरेंशिएशन जो आपको फील होगा. वरना अगर आप इसे चलाते हो शहर के अंदर तो यू विल फील ऑलमोस्ट लाइक अ कार, बस आपको पीछे थोड़ा लेंथ ज़्यादा रहेगा. अदरवाइज इट ड्राइव्स एग्जैक्टली लाइक अ कार, क्विकली छोटे टर्निंग रेडियस में टर्न हो जाती है, आराम से ड्राइव कर सकते हो. सो ये सारे जो पॉइंट्स है गाड़ी के वो ध्यान में रखते हुए स्कॉर्पियो में डाले गए थे इन द इनिशियल डेज, और उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको इम्प्रूव किया गया है, और ये गाड़ी में वो सारे इम्प्रूवमेंट्स क्लियरली एविडेंट है. अगर मैं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात कर लूँ तो सिटी में आपको 10-11 का एवरेज मिलना चाहिए, हाईवे पे 12 से 14 के बीच में आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलनी चाहिए अगर आप इस गाड़ी को प्यार से चलाते हो. अगर आप प्यार से नहीं चलाते हो, जो मोस्टली नहीं करने वाले हैं लोग, तो आपकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं घट जाएगी. मेरे हिसाब से जो मिस आउट है इस गाड़ी में वो एक ही चीज़ है, वो ये कि इसको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं दिया गया है. एक ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलना चाहिए था फॉर बायर्स, एटलीस्ट जो यू नो लोअर ट्रिम जो एस वेरिएंट है उसमें एक ऑटोमेटिक दे देते अगर टॉप एंड में उनको लग रहा था कि ज़्यादा बायर्स नहीं आएंगे. सो आई फील एक बेस मॉडल में, बेस वेरिएंट में एक ऑटोमेटिक ऑप्शन डेफिनेटली देना चाहिए, क्योंकि शहर में बहुत लोग हैं जो चलाते हैं गाड़ी स्कॉर्पियो जैसी, जिनको सामान ले जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है. सो उनके लिए ये एक डेफिनेटली फ़ायदेमंद चीज़ रहती है. अब सवाल ये उठता है आपके लिए स्कॉर्पियो फायदेमंद है या नहीं, आपको ये कंसिडर करनी चाहिए नहीं है, लेट्स कम टू दैट. अब इससे पहले मैं इस गाड़ी का वर्डिक्ट दूं, मैं आपके साथ एक छोटी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ. कोको कोला जो बहुत सदियों से चल रही थी आ रही है, उन्होंने 1980s में डिसाइड किया था कि हम पुरानी कोको कोला बंद कर देंगे और नई कोको कोला इंट्रोड्यूस करेंगे. उन्होंने नई कोको कोला इंट्रोड्यूस तो की, पर लोगों को वो टेस्ट पसंद नहीं आया, उनको अभी भी वो पुराना टेस्ट ही पसंद था. और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका कितना भी आप रिप्लेसमेंट लेके आओ, कितना भी बेटर बनाने की कोशिश करो, जो एक सर्टेन फैक्टर रहता है उसका, वो बरकरार रहता है लोगों के लिए, और उनको वही चीज़ वापस चाहिए. सो इस वजह से महिंद्रा ने बहुत स्मार्टली स्कॉर्पियो क्लासिक को रिटेन किया है, और अब इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट्स तो नहीं आते पर केवल 2 वेरिएंट आते. तो उन्होंने अपना लोएस्ट वेरिएंट को रखा है एंड जो हाईएस्ट S11 वेरिएंट है, इन दोनों को यहाँ पे रिटेन किया गया है. अब अगर मैं बात करूँ कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए नहीं, मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली ये कंसिडर करनी चाहिए अगर आप एक स्कॉर्पियो फैन रहे हो, या फिर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो थोड़े कम बजट में आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे, प्लस जो स्कॉर्पियो क्लासिक का लुक है उसे रिटेन करे. तो जो स्कॉर्पियो क्लासिक और N में डिफरेंशिएशन है कि ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, एंड जो N है वो थोड़ी सटल, थोड़ी मॉडर्न ज़्यादा बनने की कोशिश की गई है. सो इन दोनों में वो डिफरेंशिएशन रहेगा, इवन ड्राइविंग में आपको वो डिफरेंशिएशन फील होता है. तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो ऑफ द स्कॉर्पियो क्लासिक. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए गिव इट अ बिग थम्स अप इमीडिएटली. अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूँ, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. आपको सिर्फ और सिर्फ motorocklane.com पे जाना है, वहाँ कार कंसल्टेशन पे क्लिक करना है, अपने कुछ डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक करना है. नाउ इज़न दैट वेरी सिंपल फॉर यू? और उससे भी आसान पता है क्या है? motorocklane के चैनल को सब्सक्राइब करना. तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते हैं. प्लस हम आपके लिए हमारी XUV700 का सर्विस कॉस्ट का वीडियो भी ला रहे हैं बहुत ही जल्द. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आई विल सी यू टुमारो विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर गाइज, लव यू, बाय.